छात्रों वद धातु के रूप प्रथम पुरुष वदति वदतः वदन्ति बोलता है दो बोलते हैं सब बोलते हैं इसे देखिए वदति वदतः वदन्ति यहाँ पर छात्रों सहतौ ते साते ता एषायतौ एते एषायते ताः और साथ में कोई भी अकारांत आकारांत शब्द रूप प्रथमा विभक्ति के रूप के साथ ये प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है बालकः वदति बालकौ वदतः बालकाः वदन्ति अगर लड़की है तो बोलेंगे बालिका वदति दो लड़कियां बोलेंगे तो बालिके वदतः बहुत सारी लड़कियां बोलेंगे तो बालिकाः वदन्ति ये अन्य पुरुष के लिए प्रयोग होता है प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष जैसा कि मैंने आपको बताया कि त्वम युवाम यूयम के साथ में मध्यम पुरुष प्रयोग होता है वदसि त्वम वदसि तुम बोलते हो वदथा युवाम के साथ में वदथा का प्रयोग होगा तो तुम दोनों बोलते हो वदत यूयम 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 माने तुम सब बोलते हो वदसि वदथा वदत तुम बोलते हो तुम दोनों बोलते हो तुम सब बोलते हो अब अगला है उत्तम पुरुष जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया मैं माने अहम अहम के साथ में और हम के साथ में ये आखिरी वाला पुरुष इसकी क्रिया प्रयोग होती है वदामि वदावः वदामः अहम वदामि मैं बोलता हूँ आवाम वदावः हम दोनों बोलते हैं वयम वदामः हम सब बोलते हैं तो छात्रों प्रथम पुरुष में प्रत्यय ती तः अन्ति मध्यम पुरुष में प्रत्यय सी थ थ और उत्तम पुरुष में आमि आवह आमः ये प्रत्यय लगाकर किसी भी धातु में हम ये प्रत्यय लगाएंगे तो लट लकार के लट लकार यानी वर्तमान के रूप बन जाते हैं तो छात्रों ये धातु रूप आपको कंठस्थ करना है परीक्षा में ये धातु रूप पूछे जाएंगे छात्रों अब मैं आपको फलों के नाम और सब्जियों के नाम संस्कृत में बताने जा रही हूँ इन्हें आपको कंठस्थ करना है ये सब्जेक्टिव पेपर में पूछे जा सकते हैं या प्रोजेक्ट वर्क में दिया जाएगा सेवम सेव आम्रम आम कदली फलम केला कालिंदकम कालिंदम तरबूज अमृत फलम आंवला दाडिबम अनार सीताफलम शरीफा मधुकर्किटिका पपीता खर्जूरम खजूर द्राक्षाफलम अंगूर ये 10 नाम मैंने फलों के आपको बताए हैं अब मैं आपको सब्जियों के नाम बताने जा रही हूँ आलू आलू पलांडू प्याज लहसुनम लहसुन आर्द्रकम अदरक मूलकम मूली मरीचिका मिर्ची रक्तफलम टमाटर गंजनकम गाजर पनसह कटहल भिंडिका भिंडी इस प्रकार ये आपको फलों और सब्जियों के नाम कंठस्थ करना है धन्यवाद छात्रों मैं आज आपको धातु रूप पढ़ाने जा रही हूँ धातु यानी क्रिया संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं आपने हिंदी में पढ़ा होगा क्रिया के 3 रूप होते हैं वर्तमान काल भूतकाल और भविष्य काल वर्तमान काल हिंदी में जा रहा है पढ़ रहा है पढ़ता है लिखता है भूतकाल के रूप होते हैं पढ़ दिया खा लिया चले गए ये भूतकाल के हुए और भविष्य काल अर्थात पढ़ेंगे जाएंगे हंसेंगे लिखेंगे आदि ऐसी संस्कृत में वर्तमान काल को संस्कृत में लट लकार कहते हैं क्या कहते हैं वर्तमान को लट लकार वर्तमान काल
तो आज मैं इन्हीं वर्तमान काल की धातुओं के बारे में बताने जा रही हूँ। धातु रूप अस धातु, अस माने है, होना, जिसमें आप इज लगाते हैं, आई एस इज, इज माने है, आर माने है। तो संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। हमेशा तीन लोगों में बातचीत होती है। तो संस्कृत में प्रथम मतलब अन्य के लिए, वह, उनका, बालक, बालिका, इनके लिए। मध्यम पुरुष यानी बीच वाले, यानी त्वम, युवाम, युयम के साथ में प्रयोग होते हैं ये क्रिया। और उत्तम पुरुष मतलब मैं, यानी स्वयं के लिए, अहम, आवाम, वयम के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। तो छात्रों मैं पढ़ती हूँ, अस धातु के रूप उच्चारण भी करेंगे मेरे साथ। प्रथम पुरुष अस्ति, इस्तः, संति। फिर से अस्ति, इस्तः, संति। अस्ति माने है, गजः अस्ति, बालकः अस्ति। यदि दो होते, दो बच्चे होते तो बालकौ इस्तः हो जाता। और संति माने है, तो बहुत सारे बालकाः संति, गजाः संति, बहुवचन के साथ में संति, एक वचन के साथ अस्ति, द्विवचन के साथ इस्तः, बहुवचन के साथ में संति का प्रयोग होता है। ऐसी मध्यम पुरुष मैंने बताया त्वम, युवाम, युयम। असि, स्थ, इस्थ, या ता है या था है, ठीक है ना। तो त्वम बालकः असि, त्वम बालक, अब यहाँ पर त्वम है, यहाँ पर युवाम आ जाएगा, यहाँ त्वम के साथ प्रयोग करेंगे, यहाँ युवाम, युवाम स्थः, युवाम सैनिकौ स्थः, तुम दोनों सैनिक हो। और त्वम युवाम युयम, युयम सैनिकाः स्थ, तुम सब सैनिक हो। यानी एक वचन के साथ एक वचन का प्रयोग, त्वम के साथ में त्वम बालकः असि, त्वम, त्वम के बाद में युवाम बालकौ स्थः, युयम बालकाः स्थः। तो त्वम युवाम युयम, त्वम के साथ असि, युवाम के साथ स्थः, युयम के साथ स्थ। अब अंतिम उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष यानी मैं अहम, अहम, आवाम, द्वयम के साथ प्रयोग। अहम अस्मि, मैं हूँ, आवाम स्व, हम दो हैं, वयम स्म, हम सब हैं। तो अहम, आवाम, वयम के साथ में अहम अस्मि, आवाम स्व और वयम स्म, इस प्रकार क्रिया का प्रयोग होता है। मैंने उदाहरण भी दिए हैं कि सह नरः अस्ति, एक है तो अस्ति, नरौ स्तः, दो हैं तो स्तः, नराः बहुत सारे हैं तो संति। असि त्वम है तो असि लगाया, युवाम है तो स्थ क्रिया में लगेगा और युयम है तो स्थ लगेगा। ऐसे ही अहम के साथ अस्मि, आवाम के साथ स्वाहा, वयम के साथ अंत में स्मः का प्रयोग होगा। मैं और भी धातु रूप मैंने लिखे हुए हैं, इन्हें भी आपको याद करना है, कंठस्थ करना है। गम धातु के लिखे मैंने गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। फिर से पढ़िए मेरे साथ, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। मध्यम पुरुष गच्छसि, गच्छतः, गच्छत्। उत्तम पुरुष गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। ऐसे ही मैंने पठ धातु के भी लिखे हुए हैं, इन्हें भी आपको कंठस्थ करना है, मेरे साथ उच्चारण कीजिए। प्रथम पुरुष में पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में पठसि, पठतः, पठत्। उत्तम पुरुष में पठामि, पठावः, पठामः। तो छात्रों पुरुष भी पूछा जा सकता है परीक्षा में, वचन भी पूछा जा सकता है कि गच्छति का बहुवचन गच्छन्ति, गच्छसि का बहुवचन गच्छत्, गच्छसि का द्विवचन गच्छतः। इस प्रकार ये भी पूछा जा सकता है कि गच्छामि का पुरुष क्या है, तो उत्तम पुरुष एक वचनम। इस प्रकार से परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप अस धातु, गम धातु और पठ धातु के रूप कंठस्थ करेंगे और कॉपी में भी लिखेंगे। धन्यवाद।